दोस्तों आज हम पुणे में सभी गणपति जी के दर्शन करने वाले हैं, जिसमें पुणे के मेन पांच मानाचा गणपति जी के उनके दर्शन करेंगे, जिसमें हम दर्शन करेंगे श्री कस्बा गणपति जी के, श्री तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति, गुरुजी तालीम गणपति, तुलसीबाग गणपति और मानाचा लास्ट गणपति केसरीवाड़ा गणपति। इन पांचों गणपति जी के हम दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी के दर्शन करने। और दोस्तों लास्ट में हम जाने वाले हैं छत्रपति राजाराम मंडल गणपति जी के दर्शन करने, जो इस बार पूरा गोल्डन टेम्पल के आकार में पूरा थीम बनाया गया है। तो गाइस चलिए शुरू करते सारे मानाचा पांच गणपति, और भी बहुत कुछ आपको दिखाते हैं। बस कमेंट में गणपति बाप्पा मोरिया जरूर लिख देना। तो दोस्तों हम सबसे पहले आ गए हैं मानाचा पांच गणपति, जिसमें सबसे पहले गणपति है श्री कस्बा गणपति जी के दर्शन करने। चलिए दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए मानाचा पहला गणपति श्री कस्बा गणपति जी के। अभी भी देखिए लाइन लगी है, तो अभी इस टाइम तो लास्ट के जो दिन रहते हैं गणपति जी के तीन चार दिन, उसमें तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लाइन आपको लाइन में लग के दर्शन करने पड़ते हैं। कस्बा गणपति जी के जस्ट पीछे ही ये नवग्रह मित्र मंडल है, यहाँ पे भी आपको गणपति जी के दर्शन कराते हैं। अभी हम दोस्तों दर्शन करने आ गए हैं मानाचा दूसरा गणपति, जो है श्री तांबड़ी जोगेश्वरी गणपति। गाइस यहाँ की इस मंदिर की सजावट देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। दोस्तों पुणे में गणेश उत्सव के दौरान आपको पुणे की हर गली गली में गणपति जी देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों हम आ गए हैं मानाचा तीसरा गणपति, जो है गुरुजी तालीम गणपति जी। ये उनका मेन मंदिर है, और अभी तो इससे थोड़ा सा आगे नया मंडप पूरा बनाया हुआ है, तो वो हम आपको दिखाएंगे, पर पूरे साल बप्पा यहाँ पे विराजमान रहते हैं। चलिए चलते, ये देखिए उस गली में थे वो, और अभी यहाँ पे पूरा नया मंडप बनाया हुआ है गुरुजी तालीम मंडल, तो यहाँ पे आप गणपति जी के दर्शन कर सकते हो। तो ये है मानाचा तीसरा गणपति गुरुजी तालीम गणपति जी। यहाँ पर भी दर्शन के लिए लाइन लगी है। और दोस्तों अभी हम आए हैं मानाचा चौथा गणपति तुलसीबाग गणपति जी के दर्शन करने। इस बार दोस्तों यहाँ पे जो पूरी सजावट है, पूरी थीम बनाई गई है मंदिर की, भगवान जगन्नाथ पुरी जी का पूरा जो मंदिर है वैसी पूरी यहाँ पे ये देखिए थीम बनाई गई है। और दोस्तों अभी हम आए हैं मानाचा लास्ट गणपति पांचवा गणपति केसरीवाड़ा गणपति जी के दर्शन करने। इस गेट के अंदर गणपति जी है, और इसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे भोलेनाथ मित्र मंडल के भी गणपति जी है। गेट के अंदर आते ही दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा मंच बना हुआ है, और अंदर ही बहुत बड़ा पांडाल बना हुआ है, ऊपर टेंट वगैरह लगे हुए। तो दोस्तों आप दर्शन कीजिए मानाचा पांचवा गणपति केसरीवाड़ा गणपति जी के। केसरीवाड़ा गणपति जी के जस्ट पास में है भोलेनाथ मित्र मंडल के गणपति जी, जो जिसका पूरा थीम है अमरनाथ जी मंदिर है ना, उनका पूरा थीम बनाया हुआ है। बाहर नंदी महाराज है, अंदर पूरी ऐसे गुफा बनाई हुई है अमरनाथ के, जो दर्शन करवाएंगे आपको यहाँ पे। ये देखिए पूरा अंदर से मंदिर है, गणपति जी है, इसके पीछे पूरी ऐसे गुफा बनी हुई है। चलते चलिए चलते गुफा के अंदर, आपको ऐसे पूरा अंदर घूम के बताते पूरा। ये गाइस ये पूरा देखिए हाथ से बनाया हुआ है पूरा ये मंडप, ये पूरी गुफा। गुफा के दोस्तों आप ऐसे लेफ्ट साइड से जाओगे, फिर ऐसे राइट पीछे महादेव के महाकाल के दर्शन करके फिर वापस ऐसे निकलोगे, जो अमरनाथ में जो अमरनाथ की जो गुफा है अंदर, जो महाकाल है शिवलिंग है, वैसा पूरा अंदर गुफा के अंदर पूरा स्ट्रक्चर पूरा बनाया हुआ है नया। तो दोस्तों कीजिए महाकाल के दर्शन। और ये महाकाल के जस्ट आगे गणपति जी, और चलिए अभी वापस चलते गुफा के बाहर। ये देखिए हम राइट साइड से आए थे, लेफ्ट साइड से इधर निकले। तो दोस्तों ये सामने है गणपति जी, और जस्ट इसके पीछे थे महाकाल गुफा में, ऐसे हम घूम के दर्शन करवाए थे अभी आपको। और चलिए दोस्तों अभी दर्शन करते हैं श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी के। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, ये देखिए पूरा क्राउड आपको देखने को मिलेगा,
और दोस्तों ये है मेन मंदिर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई जी का। पूरे साल बप्पा यहाँ पे विराजमान होते हैं, बट ये गणपति के त्यौहार में वो सामने देखिए नया मंडप बनाया हुआ है मंदिर, ये सामने। चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दर्शन करवाते। और देखिए इधर दोनों तरफ पूरी अच्छे से सजावट कर रखी है, अपने जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका पूरा बड़े से फ्रेम में तस्वीरें लगाई हुई है। और ये है हमारे गणपति जी जटोली शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर है उस आकार के पूरी इस बार थीम बनाई गई है, पूरा मंदिर उस टाइप का बनाया हुआ है। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं हमारे गणपति बप्पा के। दोस्तों यहाँ पे दर्शन करते ही जस्ट राइट साइड से एग्जिट करके जस्ट पीछे जाना, वहाँ पे भी एक मंदिर है। तो दोस्तों ये है मंदिर श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी का, जस्ट इनके पीछे ही आप आना, यहाँ पे है नवसाचा गणपति। यहाँ पर दोस्तों बाहर शिवलिंग है और ये पूरा अंडर टेंपल बना हुआ है। और ये मंदिर दोस्तों जो मदुराई में मीनाक्षी मंदिर है पूरा उसका थीम का बनाया हुआ मंदिर है पूरा अंदर। ये मंदिर भी आप ज़रूर विजिट करना दोस्तों, अंदर पूरी एकदम अच्छे से प्यारी सजावट कर रखी है। वो सामने है श्रीमंत दगड़ूशेठ जी हलवाई गणपति जी का मंदिर, और जस्ट उससे पहले गली है उसमें आपको मिलेगा इधर साईनाथ मंडल ट्रस्ट, यहाँ पे साई बाबा की मूर्ति है और अंदर पूरा मंडप बना हुआ है, अंदर भी आपको गणपति जी के दर्शन करवाते। यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। दोस्तों आप पुणे में हो तो पुणे के गणपति देखने आपको ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे है श्री गजानन मंडल जी के गणपति, ये देखिए बहुत ही प्यारी सजावट है। और दोस्तों अभी हम आ गए हैं दर्शन करने छत्रपति राजाराम मंडल गणपति जी के दर्शन करने। और दोस्तों ये देखिए इसका गेट कितना बड़ा बना रखा है पूरा वाइट कलर में, और यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है भाई दर्शन करने के लिए। यहाँ का डेकोरेशन बहुत अलग लेवल का हो रखा है, जो मेन अपना गोल्डन टेम्पल है पंजाब में उसके आकार में पूरा बना रखा है, ये पूरी थीम बना रखी है। और भाई यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, इतना अच्छा प्यारा सा व्यूज़ है, इतना प्यारा सजा रखा है ना, पब्लिक देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड है। चलिए आपको अंदर चलते दर्शन करवाएंगे मस्त। यहाँ पे नीचे शूज स्टैंड वगैरह एकदम प्रॉपर बना रखा है दोस्तों, और ये है गोल्डन टेम्पल भाई, बहुत मस्त लग रहा है यार, नेक्स्ट लेवल, पूरा लाइटिंग वाइटिंग इतना मस्त दिख रहा है ना। आप रात के समय में आना, थोड़ा 7-8 बजे जब अंधेरा होता है तब पूरा लाइटिंग वाइटिंग ऑन होता है, क्या गजब दिख रहा है पूरा एकदम गोल्डन टेंपल के जैसे ही, पूरी थीम बना रखी है। गाइस अंदर की सजावट देखो इतनी खूबसूरत है ना, आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत अंदर से बहुत प्यारा सजा रखा है पूरा एकदम गोल्डन टेंपल के जैसे। और अंदर हमारे गणपति जी विराजमान है, और ये देखिए ये पूरा गेट बनाया हुआ है बहुत बड़ा, ये देखिए अंदर हमारे गणपति जी है। चलिए अंदर चलते आपको अंदर से पूरा डिज़ाइन गणपति जी के दर्शन करवाते। और दोस्तों ये आप जितने भी गणपति देख रहे हो ये दूर दूर नहीं है, सब पास पास में ही है, 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में सब आस पास ही है सब गणपति, तो आप घूम के अच्छे से दर्शन कर सकते हो।
तो दोस्तों ये पूरे चारों तरफ से घूम के मैंने आपको पूरा गोल्डन टेम्पल दिखा दिया। ये देखिए नीचे से पूरी लाइन लग रही है अंदर, शूज रेक वगैरह स्टैंड वगैरह प्रॉपर एकदम व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। तो दोस्तों पुणे के गणपति देखने आप जरूर जाएं, पुणे में जगह जगह आपको गणपति जी देखने को मिलेंगे। और अगर आप नहीं आ सकते तो वीडियो के माध्यम से जरूर दर्शन करें, कमेंट में गणपति बप्पा मौर्या जरूर लिखें।